प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर थ्री। चलो अब यहाँ पे एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ो। इन द ऑरेंज गार्डन, कौन सा गार्डन? ऑफ मिस्टर मधुसूदन, देर आर 150 ऑरेंज ट्री। मधुसूदन का एक ऑरेंज का ऑर्चर्ड है, गार्डन है, उसके अंदर कितने ट्रीज है? 150 ऑरेंज ट्रीज। द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज 5 मोर देन इन ईच कॉलम। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट दिए, सब में पहले फाइंड करेगा फ्लो चार्ट में, अज्यूम करने बोल दिए नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम इज एक्स। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो में क्या हो जाएगा वो बताने का है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बताने का है, नंबर ऑफ ट्री, फिर नहीं, फिर इधर फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने के बाद एक्स फाइंड करने बोले, उसके बाद नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम बताने का है, फिर बताने का नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज। ओके, वेरी इजी, तुम लोग को बता दिए कि अज्यूम क्या करने का है, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम बी एक्स। एक मिनट, पहले तुम लोग देख लो, मैं झाड़ बता रहा हूँ, समझो। ये डायग्राम देखो, इधर देखो, यहाँ पे मैं झाड़ उगा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करो जब तक मैं झाड़ बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैंने झाड़ बना दिया, इसके लिए वीडियो पॉज करो। तो देखो अभी 150 झाड़ थोड़ी बनाते बैठूंगा मैं, मैंने इतने झाड़ बना दिया, अभी क्या तुम लोग जाके ऑर्चर्ड में ऐसे गिनते बैठेंगे 1 2 3 4? नहीं ना। तो देखो यहाँ पे कुछ रो और कॉलम की बात हो रही है, जो ऐसी स्टैंडिंग लाइन है ना, स्टैंडिंग लाइन, उसको कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। ये पूरे कॉलम है, ये कॉलम है, और जो ऐसा स्लिपिंग है ना, उसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। तुम पूरा थोड़ी गिनते बैठेंगे, एक कॉलम में कितने झाड़ है? 3, और एक रो में कितने झाड़ है? 4। कॉलम में कितने झाड़ है? 3, और है ना, रो में कितने झाड़ है? 4। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 4 = 12। जाके गार्डन में ऐसा थोड़ी गिनते बैठेंगे, कितना हो गया मेरे ऑर्चर्ड में कितने झाड़ है? 12। कितने झाड़ है? 12। लेकिन मधुसूदन के ऑर्चर्ड में, मधुसूदन के गार्डन में कितने झाड़ है? 150। तो समझ रहे ना, मैंने क्या करा, कॉलम को रो से क्या करा, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। फॉर्मूला बना ना, फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ ट्री कैसे बन रहा है? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन गार्डन। हुज गार्डन? मधुसूदन गार्डन। तो चलो, तो अल्लाह ने की दे, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम उन लोग ने बोल दिए एक्स। फिलहाल कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखो, इधर देन आया, मोर देन आ रहा है ना, देन कंपैरेटिव स्टेटमेंट यहां से यहां तक है। द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, इन ईच कॉलम। मैंने क्या बोला, जो भी बाद में आएगा उसको हम लोग अज्यूम करेंगे x। तो यहाँ पे बाद में कौन आ रहा है? कॉलम। कॉलम को x अज्यूम करेंगे, इन लोग ने भी कॉलम को x अज्यूम करे, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो चलो अज्यूम करके बताओ, लेट द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन ईच कॉलम, है ना, ईच कॉलम बी x। Therefore, number of trees planted in each column और row में comparing आ रही ना, where is row? यहाँ पे row से ना, number of tree planted in each row is equal to ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा बोल रहे हैं? Number of trees in each row is यानी is equal to जो भी है 5 more than, थोड़ा सा gap छोड़ेंगे और क्या लिखेंगे? Plus 5 Then each column में क्या है भाई? x plus 5। यानी तुम्हारे को मालूम पड़ गया, कॉलम में x ट्री है और रो में x plus 5 ट्री है। ये हो गया। चलो यहाँ ये फिलिंदा ब्लैंक्स तुम लोग ऐसा भरने का नहीं, फ्लो चार्ट है, मेरे को मालूम पड़ गया कितना है भाई x plus 5। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज तुम्हारे को मालूम है क्या? हाँ, इन द ऑर्चर्ड गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देर आर 150 ऑरेंज ट्री। यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मालूम है कितना है? 150। कितना है 150। तो इन लोग दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मैंने फॉर्मूला बताया ना, टोटल नंबर ऑफ ट्री कैसे फाइंड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन ईच कॉलम मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड इन ईच रो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो इन लोग दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई according to given condition। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई? मैं टोटल नंबर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा बड़ा बन जाएगा स्टेटमेंट,
तुम लोगों को दिखने में प्रॉब्लम आएगा, देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज वेयर इन गार्डन. मैं नहीं लिख रहा, तुम लोग लिख दे रहा हूँ. नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम क्या है? नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम एक्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो कितना है? एक्स प्लस वाई. बाइनोमियल इसके लिए ब्रैकेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है? 150. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है? 150. यही सेम स्टेटमेंट, जगह कम है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख के बता रहा हूँ. एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150. एक्स स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. नहीं, मैंने नहीं लिखा, तुम लोग लिख देना. मैंने टोटल नंबर ऑफ ट्रीज लिखने भूल गया. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है? 150. तुम लोग है ना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के ऊपर लिख देना. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है? 150. मैं फिलहाल ये लिख के बता रहा हूँ अभी. एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150. तुम लोग कोई भी चीज मत करना, मैं बिफेर से बना रहा हूँ वीडियो. एक्स ब्रेक एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 150. चलो देखो, एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू फाइव फाइव एक्स इज इक्वल टू 150. देखो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस 150 माइनस 150 इज इक्वल टू जीरो. स्क्वायर अल्फाबेट कॉन्स्टेंट नंबर, कुछ कॉमन निकल रहा क्या? नहीं, ये नंबर को ये नंबर से मल्टीप्लाई 150 है ना. तो 15 tens are 150. 15 में से 10 के 5 बनता है. हाँ, आखिरी में माइनस है. माइनस का मतलब माइनस प्लस या प्लस माइनस. इधर क्या है? प्लस. गो विथ प्लस माइनस. प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस. 15 में से 10 गए 5. बड़ा नंबर 15, उसके साइन है प्लस 5. तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x स्क्वायर और x में कौन कॉमन है? x. x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x स्क्वायर आएगा x से. प्लस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15x आएगा 15 से. माइनस का माइनस, 10 का 10. 10 के टेबल में 10 भी आता है, 10 के टेबल में 150 भी आता है. 10 को किससे बढ़े? 10x आएगा x से. माइनस इंटू माइनस प्लस. 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 150 आएगा. 10 15 सा 150 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x प्लस 15 कॉमन है और ये x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x इक्वल टू प्लस 15 उधर जाएगा तो माइनस 15 और x इज इक्वल टू माइनस 10 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 10. एक नेगेटिव नंबर आ रहा है x और एक पॉजिटिव आ रहा है. जैसे x की वैल्यू मिलेगी तो जहां पे x अज्यूम करे वहां जाओ. x क्या अज्यूम करे हम लोग ने? नंबर ऑफ ट्रीज. नंबर ऑफ ट्रीज एक लिन नहीं हो रहा ना. नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन ईच कॉलम सही है. क्या नंबर ऑफ ट्रीज नेगेटिव हो सकते क्या? नहीं. नंबर ऑफ ट्रीज उधर गार्डन में तो झाड़ है ही है. नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव. तो ये लोग को बताएंगे सिंस नंबर्स ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस 15 इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो क्या एक्सेप्ट करेंगे? एक्स इज इक्वल टू 10. एक्स इज इक्वल टू 10. एक्स इज इक्वल टू 10. एक्स क्या है भाई? एक्स क्या है? नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड इन ईच कॉलम. खाली यही फाइंड करने का क्या? मैंने एक्स भी फाइंड कर लिया. फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो गया. फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. फाइंड एक्स. देखो फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करे वो ये है. ये हो गया. फिर उन लोग ने बोले फाइंड एक्स. एक्स भी फाइंड कर लिए जो कि 10 है ना. एक्स भी फाइंड कर लिए. फिर क्या फाइंड करने बोले? नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम. फिर नंबर ऑफ ट्रीज इन रो. नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम कौन है? एक्स जो मिल गया अभी. फिर क्या बोले? नंबर ऑफ ट्रीज इन रो. नंबर ऑफ ट्रीज इन रो क्या है? एक्स प्लस फाइव. यानी तुम्हारे को अभी फाइंड क्या करने का है? एक्स प्लस फाइव. एक्स की जगह पे 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15. यानी कॉलम में कितने झाड़ है? 10 झाड़. और रो में कितने झाड़ है? 15 झाड़. तो लिख सकते ना. फिर उन्होंने बोले नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम. तो लिख के बताओ नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम. नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम कितने हैं? 10 इज 10. दिख रहा है शावेज? नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज 10. नंबर ऑफ ट्रीज इन रो एंड
ये काम का नहीं। नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इज 15 इज 15 हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट अच्छे से कर लेना, क्योंकि पेपर में तुम देखेंगे ना ज्यादा एक्टिविटी फ्लो चार्ट पूछ रहे। अभी दो क्वेश्चन बचे, वो दो क्वेश्चन की वीडियो फिर किसी दिन।